आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे, और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा फर्म पे या फर्म के अधिकार पे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो प्रोविजन गवर्न करती है आज के टॉपिक को, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन को, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 में। ठीक है, तो पहले सेक्शन 69 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। तो सेक्शन 69 का सबसेक्शन 1 यह कहता है, आप नोट करो, पॉइंट बाय सूट बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका क्या तात्पर्य हुआ, ये समझिए आप कि पार्टनर जो है उस फार्म में, सो कॉल्ड फार्म में जिसको रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हुआ है, ठीक है, वह पार्टनर ऐसा कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में अधिकार को इन्फोर्स कराने के संबंध में, उस अधिकार को जिसका उत्पत्ति हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट से या इस एक्ट के तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत उस पार्टनर को प्राप्त हुआ है, किसके विरुद्ध, फर्म के विरुद्ध। ठीक है, क्लियर। जब तक उस व्यक्ति का नाम एज ए पार्टनर के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं होगा रजिस्टर ऑफ फर्म में, क्लियर है। दैट मीन्स कि पहले पॉइंट से हमको यह क्लियर हो गया कि जो फर्म में जो पार्टनर है उस फर्म में जिसको, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जिस पार्टनरशिप फर्म का, उस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, जब तक उस पार्टनर का नाम पार्टनर के तौर पे या उस व्यक्ति का नाम एज ए पार्टनर के तौर पे रजिस्टर ऑफ फर्म में अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो किस बात के लिए, तो जो भी उस व्यक्ति को, जिस, दैट मीन्स कि पार्टनर को जो भी राइट अवेलेबल है अगेंस्ट दी फर्म, और ये जो राइट उसको मिला है कहां से प्राप्त हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मिला हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर और फर्म के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई राइट उसको प्राप्त है तो उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए वो फर्म के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पे क्यों नहीं इंस्टीट्यूट कर पाया, क्योंकि वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए, क्लियर। अब ये जो दूसरा है बात, वो क्या है कि सूट नहीं हो सकता है इंस्टीट्यूट, सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो फर्म है जिस फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो फर्म सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती है, ना ही उस फर्म का कोई भी पार्टनर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है राइट को इन्फोर्स करने के संबंध में, उस राइट को जिसका जो उत्पत्ति हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच, फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है, और यहां सूट किसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तो किसी तीसरे व्यक्ति के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा कि जब हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये क्लियरली कहा गया है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को खड़ा करने के लिए उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ प्रभाव हो जाते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के जिसके कारण फर्म का रजिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली कंपलसरी हो ही जाता है। क्लियर है। अब देखिए ये जो बातें कही गई सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। दैट मीन्स कि अगर फर्म को रजिस्टर्ड नहीं भी किया गया तो भी फर्म जो है, फर्म में जो पार्टनर्स हैं, जिस पार्टनर का नाम एज रजिस्टर्ड नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, फिर भी वह पार्टनर सूट, ऐसे कुछ सूट है जिसको वो इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है, टू इन्फोर्स सर्टेन राइट्स, जिसका जिक्र अभी हम करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ऐसे जो अधिकार है वो अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, और उस अधिकार पे
जो नॉन रजिस्ट्रेशन का प्रभाव है, जो प्रभाव का जिक्र किया गया है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में सेक्शन 69 का, वो नहीं पड़ता है। तो वो अधिकार, वो राइट क्या है? पहला जो एक्सेप्शन है दोस्तों, ये लिखिए, नोट कीजिए, वो यह है कि अगर कोई पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट करता है फर्म को डिसॉल्व कराने के संबंध में, ठीक है, तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी कोर्ट में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, पहला। दूसरा, अगर कोई पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट करता है कि पार्टनरशिप के अकाउंट के संबंध में, दैट मीन्स कि क्या लेखा जोखा है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट के संबंध में अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो फिर ऐसे सूट पे जो सब सेक्शन 1 और 2 है सेक्शन 69 का, वो एप्लीकेबल नहीं है, वो सूट इंस्टीट्यूट होगा, क्लियर है। तीसरा है कि अगर मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट होता है डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉपर्टी है उसको रिकवर कराने के संबंध में, तो वह सूट भी इंस्टीट्यूट होगा, उस पर नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई पार्टनर सूट इंस्टीट्यूट करता है, उसको उसका उसके हिस्से का जो प्रॉपर्टी वो चाहिए डिसॉल्व फर्म से, तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है और वो अपना हिस्से का जो प्रॉपर्टी है जो डिसॉल्व फर्म में है वो रिकवर कर सकता है, क्लियर है। अब देखिए जो चौथा अनुवाद है वो क्या कहता है कि अगर कोई एसाइनी है या फिर कोर्ट है या फिर ऑफिशियल रिसीवर भी जो है वह डिसॉल्व फर्म से जो इंसॉल्वेंट, क्योंकि देखिए यहां पे आपको समझना क्या है कि एसाइनी का अपॉइंटमेंट जो है, ऑफिशियल रिसीवर का अपॉइंटमेंट जो है, या फिर कोर्ट जो इन्वॉल्व होगा रियलाइजेशन के संबंध में, प्रॉपर्टी के रियलाइजेशन के संबंध में, वो कब होगा? जब मान लीजिए कि कोई पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट घोषित हो गया इंसॉल्वेंसी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद इन द प्रेसिडेंसी टाउन और उस प्रेसिडेंसी टाउन में जो इंसॉल्वेंसी लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उस प्रेसिडेंसी टाउन के अंतर्गत है, ठीक है, और उस पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है और उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी प्रॉपर्टी है डिसॉल्व फर्म में, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को रियलाइज करने के संबंध में कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ऑफिशियल रिसीवर के द्वारा, यहां तक कि एसाइनी के द्वारा। तो ऐसे सूट्स पे जो नॉन रजिस्ट्रेशन का प्रभाव वो नहीं पड़ता है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं पांचवा नंबर जो अपवाद की कैटेगरी में है, वो यह है कि उस जो सेक्शन 69 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस पार्टनरशिप फर्म पे जिस पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस टेरिटरी के अंतर्गत आता है जिस क्षेत्र या टेरिटरी पे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए जब हम लोग देखते हैं सेक्शन 56, तो सेक्शन 56 कहता है इस एक्ट का कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वह चाहे तो जो प्रावधान है चैप्टर 7 का, क्योंकि चैप्टर 7 गवर्न करती है प्रोविजन रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन, जो प्रावधान है चैप्टर 7 का वो एप्लीकेबल नहीं होगा किसी राज्य में या किसी राज्य के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को है। तो मान लीजिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू किया है कि उसके राज्य में या उसके राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 7 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और उस क्षेत्र उस राज्य में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस पार्टनरशिप फर्म पे जो सेक्शन 69 है उसका जो प्रोविजन है, दैट मींस जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो भी प्रभाव है नॉन रजिस्ट्रेशन के, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्लियर है। जो नेक्स्ट अपवाद के कैटेगरी में आता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोविजन है सेक्शन 69 का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस पार्टनरशिप फर्म पे जिस पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस का जो क्षेत्र है या जिस पार्टनरशिप फर्म का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस टेरिटरी के अंतर्गत आता है जिस टेरिटरी पे ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं,
ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एप्लीकेबल है पूरे भारत में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 69 का प्रोविजन। तो ये कुछ अपवाद थे। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 69, तो फिर ऐसे सूट को क्या किया जाएगा, तो ऐसे सूट को डिसमिस्ड कर दिया जाएगा। वो भी आपको यहां नोट क्या करना है कि सूट जब भी इंस्टीट्यूट होता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, तो ऐसा कोई प्लेंट अगर मान लीजिए फाइल्ड हुआ तो सिविल कोर्ट उस प्लेंट को क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है कहां से, ऑर्डर 7 रूल 11, क्लियर है। और ना ही ऐसे कोई सी प्लेंट में अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल्स माफ कीजिएगा ऑर्डर 7 रूल 17 के अकॉर्डिंग सीपीसी, क्लियर है। अब देखिए जो ये तो अपवाद हो गया, ये तो राइट हो गया, इसमें इस ये जो नॉन रजिस्ट्रेशन के जो इफेक्ट है ये दो बातें हो गई। और जो तीसरा बात है ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट को लेके पार्टनरशिप फर्म पे जो तीसरा पॉइंट है वो भी आप लोग नोट करो। वो क्या है कि अगर कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आप लोग नोट करो, बार टू क्लेम सेट ऑफ, क्लेम सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग। दैट मींस कि जो हम लोग तीसरा पॉइंट पे हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो तीसरा इंपैक्ट क्या होगा, वो ये है कि वो जो फर्म जिसको नॉन रजिस्टर्ड किया गया, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उस फर्म के जो पार्टनर्स हैं उसका अगर मान लीजिए फर्म के प्रति कोई स्टेट ऑफ का क्लेम है, या फर्म का पार्टनर के अगेंस्ट कोई स्टेट ऑफ का क्लेम है, या फर्म का थर्ड पार्टी के अगेंस्ट किसी स्टेट ऑफ का क्लेम है, तो वो उस क्लेम को इन्फोर्स नहीं करा सकता है, क्लियर है। और साथ ही साथ अदर प्रोसीडिंग्स भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ठीक है, अदर प्रोसीडिंग्स भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स के बिहाफ पे फर्म के अगेंस्ट, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो जो मैंने आपको कहा कि सेट ऑफ का जो क्लेम है नहीं बनेगा, उस पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में जिस पार्ट जो पार्टनर है उस फर्म का जिसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, तो यहां पे सेट ऑफ का मतलब भी आपको समझना होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है क्लेम अगेंस्ट क्लेम, ठीक है। अब सेट ऑफ का क्लेम क्या होता है ये जान लीजिए इन ब्रीफ। पहले तो ये समझिए कि जो सेट ऑफ का जो प्रावधान है वो है सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 में। और होता क्या है, मान लीजिए ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ जो है सूट इंस्टीट्यूट किया फॉर द रिकवरी ऑफ सम ऑफ मनी, दैट मीन 10,000 को रिकवर करने के लिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है। प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ से 10,000 रुपया लिया है, हमको वो चाहिए, प्लेंटिफ को चाहिए, इसलिए वो सूट इंस्टीट्यूट किया। लेकिन डिफेंडेंट कहता है कि नहीं, मेरा भी बकाया है प्लेंटिफ के पास 5,000 रुपया, जिसको हम डिडक्ट करके ही देंगे। तो डेट मीन्स जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ 10,000 का, उस सूट में जो रिलीफ प्लेंटिफ मांग रहा है उस रिलीफ में उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा उसका 5,000, डिफेंडेंट का 5,000 जो प्लेंटिफ लिया है उसको काट के उसको 5,000 मिलेगा। तो ये जो डिफेंडेंट जो क्लेम किया कि नहीं मैं अपना जो मेरा अधिकार है 5,000 को लेके प्लेंटिफ के अगेंस्ट उसको मैं हटा के दूंगा, यही अधिकार होता है सेट ऑफ का, ठीक है। इसके लिए कोई सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने का आवश्यकता नहीं है डिफेंडेंट को, ठीक है, सिंगल सूट में दोनों क्लेम ट्राई हो जाता है, क्लियर है। तो पॉइंट में आते हैं, पॉइंट क्या था कि जो पार्टनरशिप फर्म जिसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है उस फर्म के जो पार्टनर है वो क्लेम नहीं कर सकेंगे सेट ऑफ का, ना ही किसी अदर प्रोसीडिंग में क्लेम कर सकेंगे, क्लियर है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदर, बहुत सारे हाईकोर्ट्स में इस बात को लेके कंट्रोवर्सी छिड़ गया था कि अदर प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आ सकता है। दैट मींस कि अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स से किसी राइट का उत्पत्ति हुआ है पार्टनर्स के फेवर में या फर्म के फेवर में थर्ड पार्टी के विरुद्ध, तो क्या उस राइट को क्लेम्ड किया सकता है उस फर्म के द्वारा या उस पार्टनर के द्वारा जिस फर्म को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो देखिए इस केस में जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस कजरिया ट्रेडर्स लिमिटेड, मैं फिर से रिपीट करता हूं, नोट कीजिए, जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस कजरिया ट्रेडर्स लिमिटेड की केस में कहा गया कि साहब जो अदर प्रोसीडिंग्स का जिक्र किया गया है उसके अंतर्गत आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी आते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से राइट का उत्पत्ति हुआ है पार्टनर्स के फेवर में
फर्म के अगेंस्ट या फर्म के फेवर में किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो उस राइट को भी इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि जब कब, जब उस फर्म का रजिस्ट्रेशन हो तब। यहां पे नहीं किया जाएगा क्योंकि उस फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्लियर है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस किए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के टॉपिक पे, जो था इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। हम लोगों ने इस लेक्चर में तीन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि जो इफेक्ट पड़ सकता है नॉन रजिस्ट्रेशन का पार्टनर्स पे और फर्म पे, वो ये तीन है। और कुछ अपवाद की जो फर्म रजिस्टर्ड हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो एविल कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्लेम्स हैं जो अपवाद की कैटेगरी में आते हैं। टोटल 6 हम लोगों ने डिस्कस किया। रिलेवेंट केस लॉस पे हम लोगों ने बात करी, ठीक है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।